रोहित सर के साथ आपकी बॉन्डिंग किस तरह से ऑन एयर दिख रही है, क्या कुछ बताना चाहेंगे रोहित सर के साथ, किस तरह की एक्सपीरियंस रही है आपकी? आई एम वेरी लकी दैट मुझे रोहित सर के साथ कुछ थोड़ा सा ब्रीफली काम करने को मिला, उनका प्यार मिला, उनकी रिस्पेक्ट मिली. मैं बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ अपने आप को कि मैं अपना ये रूप उन्हें और पूरी दुनिया को दिखा पाई. एंड जीतू नहीं जीतू कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ऑनेस्टली, क्योंकि मैं बड़ी खुश हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने जो किया है, जो मेरे अंदर की पर्सनालिटी वो लोगों को देखने को मिली है. एंड लोग सामने से कह रहे हैं कि आप हमारे लिए जीत गए हो, इससे बड़ी जीत क्या चाहिए. खतरों के खिलाड़ी की जर्नी एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी, और ये सभी के लिए. इट वॉज मोर लाइक अ सोल्जर्स लाइफ. मैं बिल्कुल सोल्जर मोड में ही चली गई थी, जैसे मेरे NCC डेज में होती थी. मैंने ये सोच के रखा था जैसे मैं कैंप के दिनों में रफ एंड टफ लाइफ जी रही थी वैसे रहना है. आई वॉज वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी फोकस्ड, और खाना हो या मेरा वर्कआउट हो, पार्टी भी कर रहे होते थे लोग, बट आई वॉज ऑलवेज डूइंग माई थिंग कि हाँ मुझे ये अपना काम ज़रूर कम्प्लीट करना है, देन आई विल गो एंड एन्जॉय विद पीपल. वहाँ पे भी जाके जो कंडीशंस होती थी वाइल डूइंग द शो, स्टंट्स बहुत मुश्किल सिचुएशंस में होते थे, और सबका ही स्टंट मुश्किल होता था. ऐसा यू कैन नेवर बी रेडी फॉर एनी स्टंट, क्योंकि इट्स ऑलवेज अ सरप्राइज. एंड आप लाख सोचो कि मुझे स्विमिंग आती है, लेकिन जब आप वहाँ पे एक्चुअली उन कंडीशंस में पानी में उतरोगे, इट विल बी डिफिकल्ट. एंड अदा इज हियर, कम कम कम. मैं अदा को देख के गई थी बाय द वे. हाँ, मैंने उससे पहले तक कभी खतरों के खिलाड़ी नहीं देखा था, बट मैंने पुराने कुछ एपिसोड्स निकाले. आई वॉच्ड योर्स, यू वर वेरी गुड. मैंने इनका एपिसोड्स देखा, आई एम टेलिंग यू, मतलब सो ब्रेव, एंड आई वाज रियली प्राउड ऑफ यू. सच में लाइक रियली प्राउड. और ऑफ कोर्स यार, आई थिंक यू ऑल्सो मस्ट बी गोइंग थ्रू, वो जो एक फियर होता है, एक स्ट्रेस होता है बिफोर गोइंग फॉर एनी स्टंट. आई एम श्योर वी ऑल, एंड ये तो ड्यूरिंग यू वेंट ड्यूरिंग अ पेंडेमिक, तो उनके लिए तो और ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगा. वो एक अपने आप में खतरा था हमारे लिए. मैं तो नहीं आ रही हूँ, आप आ रहे हो? नहीं, हम तो नहीं आ रहे. कितना फॉलो करने वाली हैं इस बार आप दोनों? मेरी एक फ्रेंड जा रही है शायद, तो मैं ज़रूर फॉलो. मेरा एक संदीप सिकंद नाम का दोस्त है जिसका आज बर्थडे है, वो ज़रूर फॉलो करेंगे और हमको सब कुछ बताएंगे कि कौन क्या कर रहा है. सो अभी तक का बेस्ट स्टंट कौन सा रहा है खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में आपका, दिव्यंका? बेस्ट स्टंट? या ओके, डिफिकल्ट वर्सेस हीरोइक. डिफ़िकल्ट वाले में शौक वाले जो होते थे वो सारे बहुत डिफ़िकल्ट थे, एंड उसके लिए एक्चुअली अपने अंदर से एक नई ब्रेवरी पैदा करनी पड़ती थी कि नहीं हो जाएगा. हाथ कई बार, अच्छा, बड़ा वियर्ड होता था क्योंकि आपको शौक लग रहा है, आपका ब्रेन मैसेज रिसीव कर रहा है कि इस चीज़ को टच करेंगे तो चोट लगेगी, तो हाथ आगे बढ़ता ही नहीं है. आप चाहो कि हाथ बढ़े, बढ़े, छू लो भाई, छू लो, पर हाथ जाता ही नहीं है. तो अपने ब्रेन को वहाँ पर रीट्यून अप करना पड़ता है, और बहुत हिम्मत देनी पड़ती है अपने आप को. सो डिफ़िकल्ट वाले शॉक स्टंट्स थे, कुछ स्ट्रेंथ वाले भी थे, जैसे एक नेट पे चढ़ना था, आर्म स्ट्रेंथ एक्सटेंसिव चाहिए थी उसमें. लेकिन मज़ेदार वाले बताऊंगी. एक था जिसमें बस से मैनिक्विन उतारना था, बाद में मैं जल्दी पहुंच जाती हूँ, फिर मैं एक डायनामाइट को ऐसे प्रेस करती हूँ, एंड बस उड़ती है, आग जलती है, बॉम ब्लास्ट होता है, दैट वॉज फैब्यूलस. अनदर वन जो आज रात को ही आने वाला है, जिसमें मैं कुछ 4-5 कार्स को उड़ाते हुए रोहित शेट्टी टाइप स्टंट करती हूँ, दैट वॉज बॉलीवुड. ओके, सो सबसे ज़्यादा क्लोज फ्रेंड कौन बने हैं वहाँ? सबसे ज़्यादा प्यारी, रिलायबल दोस्त असल में श्वेता है. श्वेता बहुत ही प्यारी इंसान है, और आई लव मीटिंग हर, बीइंग विथ हर. वहीं महक भी, शी इज़ अ वंडरफुल फ्रेंड, हमेशा औरतों का साथ देने वाली. आई लव्ड हर. एंड वरुण, ही सच अ स्वीट हार्ट. एंड लास्टली ऑडियंस को क्या बोलना है? थैंक यू, थैंक यू.